आप क्या करते हैं? यहीं पढ़ने लगा? मैं अभी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, बीएस। नमस्ते। चाय पियेंगे? नहीं, चाय नहीं पियेंगे, अभी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? ऑन कैमरा मत लीजिए, ठीक है? अच्छा, चलो। नौकरी में? हाँ बताओ भैया। मैं बी ए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, बी ए ऑनर्स आर्ट्स फैकल्टी से। अरे अभी फर्स्ट ईयर में आया हो तुरंत? सीयूटी से? हाँ, सीयूटी से आया हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। मैं लखनऊ से हूँ। तो बी एच यू आपकी प्रायोरिटी थी या बी एच यू आपको अलॉट हुआ? नहीं, मुझे प्रायोरिटी भी थी, और मतलब हाँ प्रायोरिटीज में कुछ तीन चार यूनिवर्सिटीज की प्रायोरिटीज में बी एच यू भी थे मेरी, तो अलॉट हुआ था। मैंने सुना सीयूटी से जो अंडर ग्रेजुएट्स बी एच यू में सीट्स थी वो इस बार पूरी नहीं हो पाई, सही है? हाँ, ये बात तो सही है, और काफ़ी मिसमैनेज तरीके से एडमिशन भी हुआ है। आप देखिए कि 16 जुलाई जहाँ तक मुझे डेट याद है, उसी का लगभग सीयूटी का रिजल्ट आया था। एग्ज़ाम इन्होंने एक महीने तक लिया, उसके बाद इन्होंने रिजल्ट आने में देर की, और रिज़ल्ट आने के बाद डीयू और बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं इन्होंने एक महीने के अंदर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी, पर बीएचयू को अक्टूबर तक लगा अपनी क्लासेस स्टार्ट करने में, और फिर उन्होंने जनवरी में सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी ले लिया। मार्च में इन्होंने इनके एग्ज़ाम मार्च तक चले कुछ एग्ज़ाम्स, होली की छुट्टियाँ हुई, और फिर दो महीने में फिर सेमेस्टर करा रहे हैं मई में। हाँ, फिर मई में सेमेस्टर है, ताकि वो जो पीछे एडमिशन करने में जो लेट किया है वो साइकिल पूरी हो जाए। अब बताइए, इतने कम टाइम में एक साल का ये लोग 4-5 महीने में पढ़ा देने, तो इससे क्या पढ़ाई, इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा होने वाला है? और क्लासेस भी ढंग से हो नहीं रही हैं, टाइम से टीचर आते हैं और कभी कभी टीचर खुद भी नहीं आते, रिसर्च स्कॉलरों को भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, तो ऐसी पढ़ाई का फिर फ़ायदा क्या होगी? हम लोग फीस दे रहे हैं इस पढ़ाई के लिए। देखिए, एक बात तो है, आज के दौर में विश्वविद्यालयों की खबर, छात्रों की खबर, उनके कंपटीशन की खबर, उनके एडमिशन की खबर, उनके रजिस्ट्रेशन की खबर करीब करीब मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब ही है, और उनकी बातें, उनका विमर्श भी गायब ही है। लेकिन अगर आप देश के विश्वविद्यालयों में जाएं, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में, तो एक अजीब तरह की बेचैनी छात्रों में देखी जाती है। उसकी बहुत सारी वजहें, एक वजह लोग ये भी मानते हैं कि जो छात्र संघों को बैन कर दिया गया या छात्र संघ जो रोक दिए गए, छात्रों की समस्याओं को उठाएगा कौन? अपनी, अगर मान लीजिए बीएचयू में 10,000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो कोई 1,000 यहाँ का, 500 वहाँ का, 300 वहाँ का, ये कोई एक वोट बैंक तो है नहीं। तो इसलिए जब तक, और छात्र संघों की वजह से भी ऐसा हुआ, और दूसरे बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो विश्वविद्यालयों में आने के बाद वो प्रोफेसर्स और तमाम चीज़ें जो विश्वविद्यालय में पढ़ा है उसी को पता है कि एक अलग तरह का यहाँ उसके कॉकस को तोड़ना इतना मुश्किल काम है। अभी नए नए आए हो, सब जान गए 6 महीने नहीं, 6 महीने मतलब इतने तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना अपने यूनिवर्सिटी को लेकर, अपने अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, इतनी अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। अच्छा, देश के सियासी माहौल पर, 10 साल के मोदी सरकार के काम पर, शिक्षा और रोजगार पर अगर आप लोग चर्चा करते हो, तो किस तरह की चर्चा निकल के सामने आती है? अब जैसे ये कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल नॉलेज हमारे देश को मिल रही है वो मीडिया के थ्रू मिली है, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, बहुत ही कम सोशल मीडिया और जो अन्य न्यूट्रल पत्रकार हैं उनसे मिलती है, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे और जो इनके सर बिके हुए पत्रकार हैं। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस है वो एकदम ख़त्म हो चुकी है सरकार में 10 साल के अंदर अंदर। अब सिर्फ और सिर्फ मतलब पूंजीवाद की बात होती है, प्राइवेटाइज करने की बात होती है हमेशा, और हमेशा गरीबों के अगेंस्ट जाके बात होती है। तो ये सब कम्युनिस्टों का ठिया तो नहीं है जहाँ हम बैठ गए? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, खुली विचारधारा के लोग हैं सब लोग, सबके अपने अपने विचारधारा है। तो ये है कि अब हमेशा प्राइवेटाइज की बात करते रहते हैं, एंटी एंटी पुअर सरकार हो चुकी है। आप देखिए स्टूडेंट्स यार, गरीबों की वो दावा क्या करते हैं इस पे तो सोच लो, गरीबों की मदद की इतनी बड़ी सरकार, किसानों को 2,000 रुपये 6,000 रुपये सालाना देने वाली, 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के जरिए खाते में पैसा भिजवाने वाली, शौचालय बनवाने वाली, इतना वो दावा है और आप कह रहे हो कि एंटी पू। बस दावा ही तो है, हो नहीं रहा है ना, बस दावा है, ये सब हुआ क्या? हर सरकार आती है, बातें करती है, वादे करती है, पर वादे पूरे कौन कर रहा है? इस सरकार ने तो नहीं किए वादे। अब आप बीएचयू को ही देखिए कि अब आप यहाँ पे देखिए इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये हॉस्टल्स की सुविधा नहीं है हमारे पास। अब बच्चे ठीक है, हर कोई बाहर नहीं अफोर्ड कर सकता रहना, आप 9,000-10,000 महीने का रेंट देकर, अपने खाना पूरा रेंट देकर हर कोई नहीं रह सकता। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं पीएचडी करता हूं यहां से। सब्जेक्ट आपका? सोशियोलॉजी में। चलो, ये साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, अभी तो आप ग्रेजुएशन में, उधर फिलोसफी के और हिंदी के कई सब्जेक्ट के मिल गए। वैसे रिसर्च स्कॉलर्स की समझ